कर आए हैं, तो हमने हाफ के जी मटन लिया, मटन को बॉयल कर लिया और उसको साइड में रख लिया है। सॉल्ट डालकर सिर्फ हमने बॉयल किया और कुछ भी ऐड नहीं किया। उसके बाद हमने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई पर हमने डाला 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद इस ऑयल को आपको अच्छी तरीके से हीट हो जाने देना है। हीट होने के बाद 1 सौते गार्लिक था उसको हमने पील कर लिया और रफली चॉप कर लिया, बड़े बड़े टुकड़ों में ना कट करने हैं आपने। फिर उसके बाद उस ऑयल में डाला, हमने इसका कलर नहीं चेंज करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर शामिल कर दिया अपना मटन, और मटन शामिल करने के बाद आपने इसको जब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से अपना कलर ना चेंज कर ले। उसके बाद हमने 1 ग्रीन चिली ली, ये मोटी वाली है, स्पाइसी जो नहीं होती ना, उसको हमने चॉप करके उसे भी शामिल किया और इसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद 1/2 इंचेस का जिंजर और 2 ग्रीन चिलियाँ बारीक हमने पेस्ट बनाया उसे भी हमने यहाँ पर शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद आप जैसे जानते हैं कि कढ़ाई वगैरह में मसाले कम होते हैं पर टेस्टी बहुत होती हैं, तो ये ग्रीन कढ़ाई हम आप लोगों के लिए रेडी कर रहे हैं, मटन ग्रीन कढ़ाई, तो ये देखिए। उसके बाद हमने 1 टीस्पून यहाँ पर धनिया का पाउडर शामिल किया। अगर आप ज़्यादा मसाला चाहते हैं तो यहाँ पर 2 से 3 टीस्पून 1/2 केजी में आप डाल सकते हैं, हमें नहीं चाहिए था इसलिए हमने 1 टीस्पून ही यहाँ पर शामिल किया है। फिर उसके बाद हमारा मटन फुल कुक्ड नहीं है तो हमने 1 कप भरकर मान के चले वाटर डाला और इसको मीडियम हीट में तब तक पकाया जब तक ये फुल मटन कुक्ड ना हो जाए। तो हम इसको कवर कर देते हैं और फिर वेट करते हैं कि जब ये फुल कुक्ड हो जाएगा हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए अभी हम चेक करने लगे हैं तो अभी इसमें कसर है, तो हमने इसको फिर से कवर कर दिया और बाद में हमने चेक किया जब इसने अपना ऑयल पूरा सेपरेट कर दिया तो हमने चेक किया तो ये फुल कुक्ड हो चुका है। फुल कुक्ड करने के बाद आपने यहाँ पर इस पर शामिल करनी है 2 से 3 टीस्पून योगर्ट। 2 से 3 टीस्पून योगर्ट हमने अच्छी तरीके से फेंट ली थी और उसको यहाँ पर शामिल कर दिया है। 2 से 3 टीस्पून योगर्ट हमने अच्छी तरीके से फेंट ली थी और उसको यहाँ पर शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद हमने 1 इंचेस का जिंजर और 3 ग्रीन चिलियाँ, ये स्पाइसी वाली ग्रीन चिलियाँ 3 से 4 हमने यहाँ पर शामिल की है। धनिए को आपने सिर्फ मोटा मोटा ही हाथ से तोड़ना है, कट नहीं करना है। तो धनिए को हमने मोटा मोटा कट कर तोड़ा है और इससे भी इस पर शामिल कर दिया। ये कढ़ाई बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जल्दी, क्योंकि जिस दिन त्यौहार रहता है हमारे पास वक्त भी कम होता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। 1/2 टीस्पून यहाँ पर हमने होममेड गरम मसाला शामिल कर दिया और आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड का कढ़ाई मसाला 2 स्पून शामिल कर सकते हैं, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हम तो पर्सनली शान का यूज़ करते हैं तो हम शान का ही यहाँ पर शामिल करने लगे हैं और आपको पास ले चल के दिखाते हैं इसकी डिलीशियस सी कढ़ाई। वो ये देखिए, आप नान या राइस किसी के साथ भी सर्व कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। और ये हमने शान का मसाला था तो हमने भी इसे भी 2 टीस्पून के समथिंग यहाँ पर शामिल किया है लास्ट में। उसके बाद हमने इसको कवर करके रख दिया और सर्व किया नान के साथ, ये बहुत टेस्टी बनी थी, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अब हम आप लोगों के लिए सर्व कर देते हैं। तो बस अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल से जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए और इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और लास्ट में भी हैप्पी बकरीद ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स फैमिली, सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह